हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और रिएक्शन करने लगी हूँ आज मैं रियल एटीट्यूड किंग ऑफ बॉलीवुड, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जब एटीट्यूड की बात हो तो संजय दत्त टॉप पे है, और संजय दत्त ना हो उस लिस्ट में ऐसा कभी हो नहीं सकता। और वैसे भी संजय दत्त के डायलॉग्स, सॉन्ग्स, उनके मूवी के डायलॉग्स या उनके म्यूजिक, इवन मूवीज के जो म्यूजिक होते हैं वो भी इतने एटीट्यूड वाले होते हैं कि उस पर टिकटॉक्स बनती हैं, रील्स बनती हैं, और बहुत से लोग इंडिया में और इंडिया के अलावा यहाँ पे भी बहुत से लोग जो हैं उनको यूज़ करते हैं डायलॉग्स को। सो मुझे बहुत एटीट्यूड किंग में मुझे लगता है संजय दत्त इज़ ऑन टॉप। सो मैं देखने वाली हूँ, बल्कि अभी वीडियो एटीट्यूड वाली मूवमेंट्स ही हैं संजय दत्त के, और अभी तो एटीट्यूड है ही अभी तो, लेकिन जो उनकी यंग एज में, जो जवानी में एटीट्यूड था वो तो किसी कोई मुकाबला ही नहीं था भाई उसका। सो लेट्स सी इस वीडियो में क्या है, मज़े की होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैंने कहा था मैं जरूर रिएक्शन करूंगी, सो आज मैं रिएक्शन कर रही हूँ। सो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं एंड लेट्स प्ले द वीडियो। अंजू, मेरा भी आपसे एक सवाल है। आपने मूवीज करी है खलनायक, कारतूस, खौफ, दुश्मन, आपकी मूवीज के नाम इतने खतरनाक क्यों होते हैं? आप बोल रहे हो डेंजर पिक्चर करता हूँ, लेकिन मैंने साजन, सनम, खूबसूरत, हसीना मान जाएगी, उसकी प्यार वाली पिक्चर भी तो किए ना यार। लेकिन जो जिस तरह से जो पॉपुलैरिटी वो डेंजरस मूवीज में है ना, अगर वो आपका ज्यादा बेटा है। आपको कहे कि पापा मुझे प्यार हो गया है, आई मीन लव, तो हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरी बेटी बोल रही प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई? शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। किस्सा बताना चाहूंगा सबको कि जब मैं मुंबई में नया नया आया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था, और मेरा झगड़ा हो गया था किसी के साथ, और एक आदमी था जो अपनी जीप लेकर मेरे पास आया था, संजय दत्त, एंड ही सेड इफ एनीवन टचेस यू यू टेल मी। हाँ, वो तो वैसे भी गैंगस्टर टाइप था ना, तो कोई टच नहीं कर सकता शाहरुख खान को। परेशान तो हो गई। हाँ, कौन? अरोरा बिल्डर का फोन। वाओ, ये खुलिया मुझे याद है संजय। बिना पैसे दिए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया ना। 4 CR चाहिए। कितना? 4 CR। पर आपने तो 2 करोड़ मांगे थे। वो बिल्डिंग शुरू कर दी ना तो उसका जुर्माना 2 CR, समझा? तेरे बच्चे लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, छोड़ने ड्राइवर जाता है और लेने बीवी। बोल बोल, कब मार उन्हें? और धमकी। यहाँ मारपीट करेगा साले गुंडा, एक में अंदर कर दूंगा, सड़ने के बाद बाहर निकला, समझे? ये है ना, ये बेल्ट उतारूंगा तेरी। यार ये स्टाइल ही लग गया कसम से, संजय दत्त का स्टाइल कोई नहीं कॉपी कर सकता। तुम जैसे ऑफिसर की वजह से ये आम जन ये देख रही ली, असली असली 50 तोला 50 तोला 50 तोला, कितना? 50 तोला। ये डायलॉग बड़ा मशहूर है 50 तोला वाला। ए, पांडो म्यूजिक क्यों बंद करे? ये आइटम लोग नाचो ना। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये रियल जो मुझे मजा आ रहा था वीडियोस देख के, ये वाली वीडियोस है। बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ही गैंगस्टर वाली है। वो मूवीज में थी, बट वो अब रियलिटी में भी मुझे लगता थोड़ा सा टच आ गया। अच्छा, ये लड़का है? कितना पढ़े ला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे पिचिया माइला। अच्छा माइला। और वो नीचे सब गाड़ी बीड़ी, वो सब वो इन्हीं के हैं? इन्हीं के स्मार्ट बॉय, गाड़ी, इंजीनियर, तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है इसकी। कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना इसके लिए, पेटी पैक। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? अब वाले संजय दत्त में थोड़ी ज्यादा ग्रेस आ गई है। ये देख, असली असली। इंसान जानवर बन सकता है, लेकिन कभी जानवर को इंसान बनते हुए देखा है? सुधरने का रास्ता मैं बहुत पीछे छोड़ाया हूँ। अरे ओ मुन्ना, ये सारी मूवीज और मैंने इनमें से कोई मूवी नहीं देखी हुई, अनफॉर्चुनेटली। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना। बापू बोला, अगर दुश्मन भाई गाल मुन्ना पे भाई ना, तो दाई गाल आगे करने का। ये ले भाई, इसने तो चिपका दिया। ओहो, ये मुन्ना भाई पार्ट 2 है ना विद्या बालन वाली, बट ये नहीं देखा मैंने, पार्ट 1 देखा हुआ है और बहुत मजे का है। मेरा कोई बड़ा भाई है नहीं, मैं संजय दत्त को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और उसका कोई छोटा भाई है नहीं तो मुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ। जिगर का टुकड़ा सलमान। हाय, जिगर का टुकड़ा सलमान।
जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए खतरी। वाह भाई ये सही डायलॉग है, इस पर तो मैं भी टिकटॉक बनाऊंगी। एक खलनायक बहुत मशहूर है और एक वो 50-16 वाला मूवी। मूसा, मूसा का नाम सुना है? ओ, अब तो कहेगा तू मूसपुर से है क्या? मैं मूसा का आदमी नहीं, मूसा हूँ। ये खतरनाक एक्सप्रेशन। तो हाथ काट कर घुसा दूंगा समझा। जो मूवी आई थी संजू वो मैंने देखी थी, जो संजू का की लाइफ की स्टोरी थी वो भी अच्छी मूवी थी। अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहाँ तो ओह माय गॉड दिस रोल इज रियली स्केरी। मैंने ये मूवी नहीं देखी बट ये गेटअप देख के ही मुझे थोड़ा स्केरी लगता है। आदमी हो जो कबूल करते हो कि बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, अपना अपना धंधा है सर। सो गया बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त। एक्शन हीरो ही रावण से उसकी लंका ही मांग ली। ये अग्निपथ मूवी की बात मैं कर रही थी कि ये बहुत क्रीपी सा रोल लग रहा है मुझे। कांचा का दिल कितना बड़ा है। खत्म हो गई हो तो राम की बात करें। ना कमजोरियां, ना तकलीफें, ना मोह, ना माया का बंधन। कि तुझे देखकर किसकी याद आती है? मालूम है मैं तुझे तोहफे में दे दूंगा। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जो हीरो बनते हैं, लेकिन संजय दत्त हीरो बने या विलन बने सलाखों के पीछे कमाल होता है। तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर, अगर मैं मर गया तो तू जी गया। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता समझी। ये देख रही थी, ये देख असली असली। संजू बाबा मेरा भी आपसे एक सवाल है। कॉल मी संजू। संजू डार्लिंग ना जी, ए इतना फुल मूड में है संजू बाबा। संजू एक बात करनी थी भाई, मेरे को बताओ कि काफी आंधी गिरी फैला दी है तुम लोगों ने। आंधी गिरी बोले तो मुन्ना भाई से सबको हिला डाला। बोले तो थैंक यू सर, हिला डाला। एक बात बताओ, ये जो केमिकल का लोचा पिक्चर में था संजू, शाहरुख खान आई थिंक संजय दत्त की लैंग्वेज में बात करने की ट्राई कर रहा है। नजर आते कहाँ पे? वो देखो बैठे नो, कहाँ गांधी जी बैठे संजू? देखो फर्स्ट रो में वन। मुझे कूल वाइब आती है जैसे यू नो ऐसे। ये क्या कर रहा है तू? तू कितना तेज भाग सकता है? मेरे साथ रेस लगाएगा तू? अरे तेरे साथ नहीं यार, के साथ मौत के साथ रेस लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगलियां थाम कर रख जाए। अरे आप बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूता ही बुलेट की तरह निकलती है। अरे तो हम कौन से कम है? तू शोला है और मैं आदेश। हाय क्या कहता है? देख ये देख, नहीं हो पा रहा है मुझसे। वो उंगलियां जिससे बारूद की महक आती थी उसे इनकार कर रही है। और वो भी सारी पुरानी मूवीज हैं जो मैंने नहीं देखी, यार उसे देखनी चाहिए। वाओ बहुत मजा आया यार, और ऐसे वीडियो खत्म हो गई है कि समझ ही नहीं आया, टाइम का पता ही नहीं चला। और संजय दत्त अच्छा कुछ ही, जैसे मैंने सलमान खान पे रिएक्शन किया था तो सलमान खान की आई थिंक मोस्टली मूवीज जो है वो रोमांटिक मूवीज में आती है। ही इज अ रोमांटिक हीरो मोर देन एक्शन हीरो। लेकिन संजय दत्त जो है, संजय दत्त की मूवीज चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, वो जो एटीट्यूड और एक्शन और जो एक गैंगस्टर लुक है ना वो कॉन्टिन्यूसली चलती हुई आ रही है उनकी यंग एज से लेके अब तक। सो मुझे सलमान खान भी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सलमान खान पे मेरी जो एटीट्यूड मूवमेंट्स में देखती हूँ ही इज सैवेज, लेकिन जो है उनमें थोड़ा सा यू नो एक लव एंगल वाली मूवीज़ का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे। तो जैसे तेरे नाम का करेक्टर था वो बेशक डबल करेक्टर उसको कहा जा सकता है कि बीच में एक्सट्रीम लेवल का प्यार भी था और एक्सट्रीम लेवल का ऑब्सेशन एंड थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप भी था,
लेकिन संजय दत्त की वाइब थोड़ी अलग है यार, वो समझ नहीं आती, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। संजय दत्त इज विलन एंड हीरो एट द सेम टाइम, एंड मतलब आजकल की मूवीज में इवन KGF में शायद संजय दत्त विलन आए थे ना, और अभी अग्निपथ की जो मूवी है जिसमें मैं कहती काफ़ी स्केरी है। सो इस तरह की मूवीज़ में आजकल अगर वो विलन का करेक्टर भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने का। मतलब विलन ही मुझे हीरो से ज़्यादा संजय दत्त विलन पसंद है पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया यार वीडियोज़ देख के। सो ये मैं कंपेरिजन इसलिए कर रही थी सलमान खान और संजय दत्त का, बिकॉज मैं दोनों पर रिएक्शन कर रही हूँ और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। सो नेक्स्ट भी मैं ज़रूर रिएक्शन करना चाहूँगी और ट्राई करूँगी कि कुछ यू नो ज़्यादा वीडियोस हो उसमें। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। सजेस्ट करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।